गैस, मेरा मूड ऑफ हो चुका है। शाम के 5 बज चुके हैं और भूख के मारे मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। वो अभी तक नहीं आए। उनको आज अपनी काम भी बहुत सारे याद आ रहे हैं, अपनी गाड़ी भी मॉडिफाई करवानी है। और अभी फ़ोन किया, अभी कह रहे हैं 10-15 मिनट लगेगी, अभी गाड़ी में काम चल रहा है। तो आज तो मेरा गुस्सा उन पे इतना फूटने वाला है, क्योंकि आज पहली बार मैंने उनको बोला, मैं कह यार मेरा मन नहीं लग रहा घर पे, मैं बोर हो रही हूँ, बताती हूँ आज मैं उनको। क्या है, बताऊँ तुम्हें क्या है? ना? बताऊँ तुम्हें, अरे काम तो क्या था ना ये यार, काम था, क्या है? ये काम था। 5 बज चुके हैं। अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे गाइस, आज मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ घर पे। मुझे लगता है मैं कल से फिर से जिम जाना स्टार्ट कर ही दूँ, क्योंकि मेरा आज मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और पति देव का फिर मैसेज आया मेरे पास कि जल्दी से रेडी होके मिलना मुझे। यार क्या हो गया, ये रोज की रोज अब सूट पहनने पड़ रहे हैं मुझे। नहीं तो लोअर टी शर्ट में कितना कंफर्टेबल फील होता है, वो क्या जाने। फिर मैं कहा मैं नहीं पहन रही, तो कहते मेरी कसम दे दी, अब पहनना पड़ेगा, कसम दे दी। तो तब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। ऐसे मैंने बोल दिया था, मैं कहा मैं नहीं पहन रही, तो ये वही वाला सूट पाया आज मैंने। सॉरी, दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं सोच रही हूँ जब तक वो आते हैं, जब तक कुछ रील ही बना ली जाए, क्योंकि सच्चे में बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ आज। तो पता नहीं क्या हो रहा, मैंने इनको कॉल भी कर लिया, मैसेज भी किया, मैं कहा जल्दी आ जाओ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। खाना वाने की सब तैयारी कर ली, साफ़ सफाई भी कर ली, और अब बस आते ही रोटियाँ बनानी है। जब आएंगे गरम गरम खाते हैं, हम दोनों एक साथ ही खाते हैं। सो वेट है उनका, जब तक हम रील्स बना लेते हैं 2-4। गैस, मेरा मूड ऑफ हो चुका है। शाम के 5 बज चुके हैं और भूख के मारे मेरे पेट में भी दर्द होने लगा है। वो अभी तक नहीं आए। उनको आज अपनी काम भी बहुत सारे याद आ रहे हैं, अपनी गाड़ी भी मॉडिफाई करवानी है। और अभी फ़ोन किया, अभी कह रहे हैं 10-15 मिनट लगेगी, अभी गाड़ी में काम चल रहा है। तो आज तो मेरा गुस्सा उन पे इतना फूटने वाला है, क्योंकि आज पहली बार मैंने उनको बोला, मैं कहा यार मेरा मन नहीं लग रहा घर पे, मैं बोर हो रही हूँ, बताती हूँ आज मैं उनको। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे आज। बताऊं तुम्हें क्या है? ना बताऊं तुम्हें, अरे काम तो क्या था ना ये यार? काम था, क्या है ये काम था। 5 बज चुके हैं, खुद भी भूखा मरना है, मुझे भी भूखा मरना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सुनो, नहीं सुनना मुझे कुछ, तो मेरे बगैर खाने में क्या जाता है तुम्हें? हाँ जाता है ना, तुम्हें अच्छे से पता है क्या क्या जाता है। तुम मूवीज, बॉलीवुड मूवीज की कॉपी कर रहे हो कि मतलब पहले पति खाएंगे? आज तक घूसा नहीं मारा, आज मैं मार दूंगी तुम्हें घूसा। हाँ, तुम्हारा घूसा ऐसा गद्देदार होगा, ऐसा उठेगा। और मेरे देखे ये हड्डियां है मेरे हाथों में बहुत ज्यादा। ये वाला घूसा जानते हो? ये वाला, ये दिख रहा है, ये सीधा लगेगा डिशम। लो चलो मार लो, अपनी ख्वाहिश पूरी करना। एक 5 घंटे लेट हो, 5 नहीं, आप 11 बजे गए थे। 11:30 11:30 ठीक है, 11:30। 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे समथिंग। हाँ तो काम करने लग रहा। 4 घूसे और खाओ, 4 घूसे। आइसक्रीम खाओगे? वो नहीं खानी मुझे, नहीं खाना मुझे। कुछ गोबर खा लो भैंस का तुम। बर्गर? हाँ, गरबर गरबर बर्गर गरबर। गप्पे? नहीं खाना कुछ भी। नहीं सच में, पिज़्ज़ा? बस मेरा ना सच्ची में बहुत ज्यादा मूड ऑफ है आज। पिज़्ज़ा? नहीं खाना कुछ भी। पिज़्ज़ा? नहीं खाना कुछ भी। वो भी चीज़ वाला डबल पॉपकॉर्न? गोबर खिला दो मुझे आज। चलो तो फिर नीचे नीचे गाय बैठी है, अभी रोटी देकर आया हूँ। आज मैं इनको खाना नहीं दूंगी गाइस। अरे अभी अभी जैसे ही रखता हूँ जूते वूते उतारूंगा, खुद आ जाएगी डाल के। आज मैं सच्ची में नहीं देने वाली, जरूरत नहीं है। क्यों ना बनाऊं वीडियो? वो गुस्सा मत, तो खुद क्यों लिया है फिर डाल के? तुमने बड़ी आधा घंटा को सामन करी है ना कि प्लीज बेबी भूख लग रही है, ला दो प्लीज बेबी, प्लीज बेबी, नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा बेबी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, था खा। एक नंबर की झूठी। अभी 2 मिनट पहले बनाया था वो, 2 मिनट में खुद डाल के ले आई। झूठ मत बोला, झूठे मैं थोड़े पतिवर्ता पत्नी हूँ ना, तो इसलिए मैंने तरस आ गया मेरे को तुम पे, नहीं तो मुंह तोड़ देती मैं अभी तुम्हारा। ठीक है, प्यार करते हैं इसलिए ना नाजायज फायदा मत उठाओ मेरे प्यार का। ओके, वो आपके होटल के बीच में वो जीभ है, पता है मुझे। नहीं, मलाई जो तुमने खाई है उसकी मलाई नहीं है, वो दही है। लार से ऊपर नीचे हो रही है।
तो ले जाऊं मैं इसको। अरे नहीं ना, हम खा रहे हैं। तो दोस्तों लो जी आपकी तो गाइस आपकी प्यारी प्रीत ने बनाई रोटी खाती है। ये है दाल और शिमला मिर्च, चने, शिमला मिर्च, दही एंड रोटियां, एंड वी गोना ईट एंड थैंक यू सो मच। आज क्या बना देगा छोरी ने? क्या है ये? अंडे, अंडे की भुजी? तुम तो अंडे खाते ही नहीं हो हैं? क्या ये तुमने क्या मतलब, ये तुम पाप कर रहे हो हैं? अंडे की भुजी कैसे बना सकते हो तुम? नहीं बताओ मेरे को। हाँ कैसे बना सकते हो? अंडे की भुजी तो अलाउड ही नहीं है, अंडे तो अलाउड ही नहीं है, चिकन टंगड़ी तो अलाउड ही नहीं है, तुमने कैसे बना दिया अंडे की भुजी? बताओ। एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं बताओ। यहाँ पे ना मत आओ। क्यों ना आओ? क्यों ना आओ? हैं? बुरे शक्ल की? क्या है ये? क्या है ये? पनीर की भुजी। ओके। अच्छा पनीर। ओ शिट। मुझे लगा मैंने अंडे कैसे बन सकते हैं? अंडे तो मतलब दूर से ही मतलब तुम्हें उल्टी आ जाती है, हैं? तो मेरे भी छुड़वा दिए, मेरे भी छुड़वा दिए। मतलब कि खाने में रेसिपी बताया करो। मैं रेसिपी में मन तो करता है मेरा बहुत बताने का, बट मैं इसलिए नहीं बताती जब वो जैसे यूट्यूब पे कोई भी ये किचन का कुछ भी करता है या रेसिपी वगैरह जो बताते हैं फूड पे ब्लॉग्स होते हैं जिनके, यार बर्तन बहुत ज्यादा होता है, मुझे बर्तन धोने में बड़ी दिक्कत आती है। That's why I called you बर्तन धोने वाली है। और बताओ। So, मैं बताती हूँ, सिंपली बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या, बहुत टेस्टी बनी है ना, बता दो तुमने टेस्ट कर लिया यार, अब मेरी बेइज्जती करी ना, खाना नहीं। अरे तुमने ये क्यों बोल दिया टेस्ट करी है? मतलब अभी तो मैं ये अंडे की भुजी, अंडे की भुजी कर रहा था। तुम तो नटंकी करते हो। मतलब स्क्रिप्टेड था ये? तुम्हारा स्क्रिप्टेड ही होता है। तुम टेस्ट कर लो, बताओ कैसी बनी है सब चीज़। भयंकर भयंकर। तो भयंकर बनी है तो मैं बताती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। टमाटर, मैं बताऊँ इसमें क्या क्या है। रुको एक मिनट। इसमें प्याज चमक रही है, टमाटर चमक रहे हैं, शिमला मिर्च चमक रही है हरी हरी, पनीर तो चमक ही रहा है, खैर लाल मिर्च भी है, और मैगी मसाला मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ क्योंकि तुम वो डालती हो, बस यही है। तो गाइस ये पूरा नहीं बताया इन्होंने, पहले भाई तेल डालो, जीरा डालो, प्याज डालो, शिमला मिर्च डालो, टमाटर डालो, उनको अच्छे से फ्राई कर लो, और उसमें फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, मैगी मसाला, टेस्ट अच्छा आएगा बहुत ज़्यादा, एक पाउच उसमें मैगी मसाला डाल लेना, और इसमें क्या है पनीर, वही इसको क्रश करके पनीर को डाल के फिर अच्छे से इसको फ्राई कर लो थोड़ी देर, 5 मिनट इसको पकने दो, और इसमें मैंने और टेस्ट के लिए डाला है कसूरी मेथी और थोड़ा सा बटर। वाह, और अब क्या बना रही हो? लोई। लोई 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 लोई। इससे पता है क्या होता है, मैं लोई पहले क्या बना के रखती हूँ, एक ना मेरी रोटियां जलती और फटाफट रोटियां बन जाती। तो पहले बनाने से मतलब यार ये तो बेकार होता है ना, जिस टाइम पे बना उसी टाइम पे अपना रोटी। हाँ, जैसे आज मुझे भूखा मारा था। भूखा क्या, भूखा मार दिया तो खुद खा लिया करो। हाँ तुम मतलब मैं अबे क्या है, अबे ये क्या तो मतलब ये हर किसी लड़की की मतलब ये सॉफ्टवेयर में फिट है क्या? अपने पति को अच्छा मैं मर गई तो फिर ये अच्छा मैं क्या है, दिमाग खराब होता है क्या आप लोगों का? दिमाग खराब है क्या? हमारी पत्नी तपके और कब तुम्हारी वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी जो तुम मुझे सोते हुए बोल रहे थे। तुम बदतमीज हो ना इसलिए, तुम्हें प्यार हजम नहीं होता ना इसलिए। लीवर में नहीं जाता ना वो, इसलिए हजम नहीं होता क्योंकि जो चीज़ तभी तो मेरा वॉशरूम गंदा कर देते हो। अबे तुम यार ये खाने के टाइम पोटी वोटी की बात मत करा करो। मैंने तो पोटी की बात ही नहीं करी। छी, मैंने पोटी की बात करी। अरे तो बात तो वही आती है वहाँ पे, पता नहीं तूफान मचता है 15-20 मिनट के लिए, सुबह सुबह क्या दिक्कत हो जाती है। तीन वॉशरूम है ठीक है, पर तुम्हें घुसना मेरे वाले में ही है। ये तुम्हारे वाले वो एसी का वो जाता है ना उसमें ठंडक, इस वजह से तो वॉशरूम में भी एसी लगवा दूं। नहीं वो ऑलरेडी जाता है उसमें। पति क्या है, परमेश्वर क्या है, पति परमेश्वर झिंगुर सा पति है, बोलना इतना काम का नहीं, गाज का दुश्मन है ना आज का।
कोई देख ले वैसे फ्लैट हो जाए, उसकी बोलती बंद हो जाए देख ले तो जिंदगी में वो याद ना रखे क्या मैं तो ना सच्ची बताऊं उसको देख के गुस्सा आता है, मतलब इतना नेगेटिव, इतना हेट कैसे हो सकता है किसी औरत के लिए। शी इज जस्ट लाइक अ नेगेटिव पर्सनालिटी, मतलब जो कहते हैं ना हर किसी के किसी भी अच्छे हो जाए उससे जलना। वो तो साथ में खाना खा रहे हैं, क्या क्या बनाया? पनीर की भुजी, दही, वही हमारी फेवरेट चटनी। ठीक है, रोटी दही और रोटी जैसा तुम्हारा मुंह, और बताओ बोलो। So guys, ऐसे आज का दिन वेस्ट ही गया है क्योंकि ये पति देव जी हैं जो इन्होंने मेरा अच्छे से मूड ऑफ किया है। आज पहली बार मैंने इनको बोला कि मेरा घर पे मन नहीं लग रहा, आप आ जाओ घर पे, और आज ही इतना लेट आए हैं पहली बार। एक बार ये बताओ, मैं कभी इनको बोलूंगी नहीं कि आज ही तो इतनी देर होगी। एक तो देखो गाड़ी की थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाई, गाड़ी तो प्यारी है, मैं थोड़ी प्यारी हूँ भाई। मैं इसमें देखो झूठ नहीं बोल सकता, सच में गाड़ी भी प्यारी है मुझे। मैं सीधा मुझे तुम प्यारी नहीं। अरे तो गाड़ी में तुसी में तुम ही तो बैठती हो, अगर वो प्यारी नहीं होगी तो वो हमारा ख्याल कैसे रखेगी? अच्छा तुम नहीं समझ रही ये बात, गाड़िया में आप मुझे गाड़ी में बैठी बहुत अच्छी लगती हो। ओके सो देन आप मुझे यो बर्गर खिलाते हुए अच्छे लगते हो, आप मुझे पिज्जा खिलाते हुए अच्छे लगते हो, आप मुझे चाप खिलाते हुए अच्छे लगते हो, आप मेरी हर डिमांड पूरी करते हुए मुझे अच्छे लगते हो। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देन माय डिमांड्स एंड माय डिजायर्स आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी। देन यू आर, तुम इतने इंग्लिश कैसे बोलने लगी पहले मुझे ये बताओ, बाकी सारी चीजें छोड़ो। आपने छोड़ दी ना, मैं स्टार्ट तुमने इतने इंग्लिश कहाँ से रट ली भाई, तुम सही इंग्लिश बोल रही हो एकदम से। तो मैं अनपढ़ हूं। अरे मेरे कहने का मतलब पहले तुम बिल्कुल भी हिंदी में बात करते थे, तुम वही अपनी का कर रहो ये वाला लैंग्वेज यूज करते थे, अब हिंदी में बात करते हो तो मैं थोड़ी इंग्लिश बोल रही हूं। तो दैट मींस तुमने सोचा कि मतलब दोनों की बराबर लैंग्वेज आ जाए, इसलिए अंग्रेजों ने हम पे राज कर लिया क्योंकि इंग्लिश में हमें ज्यादा बढ़ावा दे दिया। ठीक है भाई, राम राम भाई सारे ने। अरे वो जो आजकल उसपे जो चैलेंज, राम राम भाई सारे ने, और अंग्रेज को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इनकी मैं थोड़ी देर क्लास ले लेती हूँ, आप खाना खाओ एंड साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।